वीआर सॉफ्टटेक 2010 से एस्टेब्लिश है। हमारी टीम साइज 500 प्लस है। हमने 8000 प्लस ग्लोबली प्रोडक्ट डिलीवर किए। हम CMMI लेवल 3 सर्टिफाइड है। हमारे डेवलपर वेल स्किल्ड है सभी टेक्नोलॉजीज में। आज हम देखते हैं वीआर लाइव कंसल्टेशन एप्लीकेशन को, जिसमें पेशेंट एंड डॉक्टर का फीचर अवेलेबल है। पेशेंट अपना लाइव कंसल्टेशन बुक कर सकता है डॉक्टर के साथ में। ये ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट के साथ में अवेलेबल है। इसके साथ पेशेंट अपना मेडिकल हिस्ट्री को भी सेव कर सकता है। आइए देखते हैं इसका इंटरनल फंक्शनिंग। हमारे पास में दो तरह के मॉड्यूल अवेलेबल है, पेशेंट और डॉक्टर। ये वेब पैनल का हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट पैनल से। फर्स्ट लॉगिन करते हैं अपन। पेशेंट पैनल में हमने फीचर्स प्रोवाइड किए हैं माय डिटेल्स। इसके थ्रू पेशेंट अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है। मेडिसिन रिमाइंडर अवेलेबल है, माय मैसेजेस, डॉक्टर को डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। डॉक्टर चेक कर सकता है जो पोर्टल से रजिस्टर्ड है, चेक पेट, चेक ब्लड ऑक्सीजन, चेक टेम्परेचर, चेक ब्लड प्रेशर, ECG, चेक स्किन एंड चेक ENT। ये फीचर्स हमने प्रोवाइड किया मेडिकल हिस्ट्री को सेव करने के लिए। पेशेंट अपनी मेडिकल डायरी बना सकता है, पर डे अपनी मेडिकल हिस्ट्री को सेव कर सकता है। इसके अलावा हमने इसमें फीचर प्रोवाइड किया है ऑनलाइन कंसल्टेशन का डॉक्टर के साथ में। अभी जो पोर्टल पे अवेलेबल डॉक्टर्स हैं वो 3 अवेलेबल्स है, जिसमें से डॉक्टर विशाल कुमार जो है वो अवेलेबल है अपॉइंटमेंट के लिए। पेशेंट जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है डॉक्टर विशाल के साथ। इसके अलावा हमने लेफ्ट साइड में फिल्ट्रेशन टाइप्स के फिल्टर्स अवेलेबल है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले पेशेंट डॉक्टर की प्रोफाइल्स चेक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ शेड्यूल का हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया है, शेड्यूल पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। सिस्टम जो है चैट, ऑडियो और वीडियो तीनों टाइप की कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकता है पेशेंट अपने अकॉर्डिंग। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। रीजन टू विजिट, इसमें पेशेंट जो है अपना विजिट का रीजन पुट कर सकता है। इसमें हमने फीचर्स प्रोवाइड किए, सब्जेक्ट डाल सकता है, अपनी इन्फो फुल कमेंट डाल सकता है। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट या जो भी प्रीवियस डॉक्टर की मेडिकल हिस्ट्री है वो यहाँ पे अपना अपलोड कर सकता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फार्मेसी से फार्मेसी का एड्रेस ओनली फॉर रिव्यू। अब हम पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन बुक हो चुका है डॉक्टर के साथ में। माय पास्ट अपॉइंटमेंट, इसमें मैं अपनी प्रीवियस कंसल्टेशन को चेक कर सकता हूँ। क्लिनिकल डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं पिछली बार हमने डॉक्टर को क्या, किस डिजीज के लिए हमने कंसल्टेशन किया था और उन्होंने हमें क्या क्या एडवाइस प्रोवाइड की थी। फैमिली हिस्ट्री, यहाँ पे अपना मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकता है पेशेंट। मेडिसिन जो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वो यहाँ पे देख सकता है। इसके अलावा पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, यहाँ पे रिपोर्ट अपनी देख सकता है, फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। माय बिलिंग सेक्शन में पेशेंट जो है जो पेमेंट जो उसने प्लेटफॉर्म पे किया है वो अपना देख सकता है। अभी जो स्टेटस आ रहा है वो पेंडिंग आ रहा है, जो अभी अपन ने पेमेंट किया था, क्योंकि अभी तक डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं की है। माय ट्रैकर्स के थ्रू मेडिकल डायरी जो पेशेंट अपना देख सकता है जो उसने सेव किया था।
फॉर रिव्यू ब्लड ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ऑक्सीजन, बीएमआई एटसेट्रा। अब हम स्विच करते हैं डॉक्टर पैनल में। डॉक्टर पैनल में हमने फीचर्स प्रोवाइड किए हैं माय प्रोफाइल, इसके थ्रू डॉक्टर जो है अपना प्रोफाइल, अपने सर्टिफिकेट्स मैनेज कर सकता है। माय अवेलेबिलिटी के थ्रू अपनी अवेलेबिलिटी को मैनेज कर सकता है डे वाइज, किस दिन किस टाइमिंग के लिए वो अवेलेबल है। माय पेशेंट्स, माय मैसेजेस, माय फ्यूचर कंसल्ट्स, माय पास्ट कंसल्ट्स। अब हम चेक करते हैं माय अवेलेबिलिटी सेक्शन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम डेट से टू डेट तक कौन सी टाइमिंग के लिए डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है। माय मैसेजेस, पेशेंट जैसे ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करेगा वो डॉक्टर को माय मैसेजेस सेक्शन में दिखेगा। यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स देख सकता है, मैसेज डायरेक्ट मैसेज कर सकता है पेशेंट को। यहाँ पे हमने दो ऑप्शन प्रोवाइड किए डॉक्टर को, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का अपॉइंटमेंट को। अब हम क्लिक करते हैं एक्सेप्ट बटन पे। अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया है डॉक्टर ने। अब अपॉइंटमेंट जो है वो माय कंसल्ट में कन्वर्ट हो गया। माय कंसल्ट में अब इसकी बुकिंग जो क्लिनिकल डैशबोर्ड जो ये हमने पेशेंट इस के लिए बुकिंग किया है, अभी क्लिनिकल डैशबोर्ड में डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री को चेक कर सकता है एंड जो उसने रिपोर्ट्स पास्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पे चेक कर सकता है पेशेंट की। इसके अलावा जो मेडिसिन उसने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे चेक कर सकता है। इसके अलावा जो अब न्यू मेडिसिन अगर वो देना चाहता है पेशेंट को वो यहाँ से अपना डाल सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ दी है, डोजेस दी है, फ्रीक्वेंसी, कब कब पेशेंट को कौन कौन सी दवाई लेनी है वो यहाँ से मैनेज कर सकता है। यहाँ पे पर्सनल नोट डाल सकता है अपना। माय प्रोफाइल, यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेक कर सकता है जो उसने एंड अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म पे। माय अकाउंट एंड मेंबरशिप जो उसने एडमिन से परचेज की है। इट्स द कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट वीआर कंसल्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेरीज एंड डेमो के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट।